नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। भाई आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, वैकेंसी कितनी जारी हुई है, वैकेंसी में पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट आपको आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि फीस पेमेंट कितना करना है, एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, आज की इस वीडियो में सारा कुछ टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। तो भाई चैनल पे नए विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी आपको जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस हो गया एसएससी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं सारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाता है और आपको बताया भी जाता है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS का जो ये यहाँ पर रिजल्ट जारी होता है भाई ना, यह मेरिट वाइज जारी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट एक दो मेरिट लिस्ट चेक करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो अदर मेरिट लिस्ट चेक नहीं करते हैं, क्योंकि भाई 7 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहोगे ना तो आपको मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करना आपको हम सिखाएंगे, फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना सिखाएंगे मोबाइल फ़ोन से, और पोस्ट कैसे भरना है, आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी है, कौन से आपके जो है किस प्रकार से अप्लाई करना, सारा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन है जारी हो गया है, इसमें 2 पोस्ट रखी गई है, यहाँ पर पोस्ट बताया भी गया है। भाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप जो है यहाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट रखी गई है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। यहाँ नोटिफिकेशन में जो है 42,000 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भाई आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने किसी भी जो है इंस्टीट्यूट या डिग्री से आपने क्लास 10th पास किया है भाई ना, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फार्म आसानी से फिल कर पाओगे। यहाँ पर बताया भी गया है कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ जो है इसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यहाँ भी बताया गया है, और एडिट करेक्शन विंडो कब ओपन होगी यह सारा कुछ बताया भी गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको पेज को यहाँ PDF को जो है डाउनलोड कर लेना है। इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS की ऑफिशियल साइट पे PDF का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ आपका जो 15 जुलाई से जो है आप 5 अगस्त तक आप जो है इसके लिए फार्म अप्लाई कर पाओगे भाई। और जो है आप करेक्शन जो है यहाँ पर बताया गया है कि आप 6 से 8 जो है अगस्त तक आप जो है अपना करेक्शन भी कर सकते हो अगर आपके फार्म में कोई भी गलती हो जाती है तो। अब इसके बात करते हैं कि इसका जो है यहाँ जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है यहाँ पर बताया गया है कि आप इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है सारा कुछ, आप इसे PDF में चेकआउट भी कर सकते हो भाई। अगर आपने किसी भी बोर्ड से जो है 10th क्लास पास है भाई ना तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बताया गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी बताया गया है यहाँ पर, इसके लिए भी आज आप जो है एलिजिबल हैं, जो है आप अप्लाई कर पाओगे। तो और आपको हम बताते हैं, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि जो है इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। यहाँ पर सैलरी के बारे में बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। भाई यहाँ पर बताया गया है कि जो है यहाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी कितनी होगी, यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो भाई। यहाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होने वाली है वो 12,000 से 29,000 होने वाली है, और असिस्टेंट पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होगी 10,000 से 24,000 तक होने वाली है। और यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया गया है, एलिजिबल अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 से 40 ईयर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ इससे जो है अपर भी हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको छूट भी मिलता है, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ एजुकेशन जो है बताया गया है कि आप जो है यहाँ 10th क्लास अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं भाई, आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ मेंशन किया है। उसके बाद आपको जो है यहाँ और जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें आपको बताया गया कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको साइकिलिंग होने मतलब आप साइकिल चलाना आता हो, और अपना जो लोकल लैंग्वेज भी जानते हो जो जहाँ से आप अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से सारा कुछ देख सकते हो भाई। उसके बाद यहाँ और भी बहुत सारा यहाँ प्रोसेस बताया गया है कि यहाँ आपको क्या चाहिए, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, और यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है। तो अप्लाई का प्रोसेस जो है आप अप्लीकेशन को जो है जो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, उसके बाद पेमेंट करोगे, उसके बाद अपना जो है पोस्ट रेफरेंस दोगे,
उसके बाद आप जो है फाइनल प्रिंट आउट अपना निकाल सकते हो। तो यहाँ यहाँ बताया गया कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर बताया गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपका मेरिट बेस में होने वाला है, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। भाई बहुत सारे लोग बता रहे थे कि पेपर होगा, इस बार पेपर नहीं होगा। भाई यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि आपका मेरिट वाइज जो है जो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर बताया गया है कि जो है आपका नंबर जो 10th में आपका नंबर है उसी नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो।